सऊदी अरब आप भी सोच रहे हो सऊदी अरब आने के लिए, तो ये वीडियो पे आप सही एकदम क्लिक किए हो भाई। सऊदी अरब सवाद खास में अगर आना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखना कि भाई क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या और क्या क्या बात को नोटिस करना पड़ता है भाई सऊदी अरब में रहने के लिए। अगर आप न्यू ड्राइवर में आते हो तो दोस्तों फुल टू फुल वीडियो देखना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि न्यू ड्राइवर में आते हैं तो क्या क्या काम करना पड़ता है और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें को नोटिस करना पड़ता है भाई सऊदी अरब में सवाद खास में। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा जो इंडिया में बैठे हैं या अदर कंट्री में बैठ के, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके दिल में कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हम सऊदी अरब अगर न्यू ड्राइवर पर जाएँगे तो क्या क्या काम करना पड़ेगा। हमारे अंदर नहीं, आप भी अगर यही सोचोगे, अगर बैठे होगे तो वहाँ पे यही सोचोगे, और बहुत सारे दोस्तों का सवाल ऐसे दिमाग में गूंजता रहता है। तो मैंने सोचा इस पे आज एक वीडियो बना दिया जाए पूरा डिटेल से। तो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि भाई अगर रियाद सऊदी अरब में, अगर सवाद खास में अगर सऊदी अरब आते हो तो भाई क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग क्लिक कर दिए हो तो आप एकदम सही एकदम करेक्ट वीडियो पर टच किए हो, तो आप लोग इस वीडियो को देखना तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि सऊदी अरब में अगर न्यू ड्राइवर पे अगर जाते हो तो क्या क्या काम करना पड़ेगा और क्या क्या काम करना पड़ता है। यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं लमसम समझ लो 60% ऐसे ड्राइवर हैं जो कि सब काम करते हैं भाई। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पे अगर नए हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि भाई वीडियो बहुत लंबी बना देते हो और देखने होती है। तो दोस्तों हम वीडियो पे यहीं पे सीधा पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को सबके दोस्तों यहीं पे दिल पे ख्याल आता है कि भाई हम सऊदी अरब, और सबका ही सपना होता है या सोचते हैं कि भाई हम भी किसी कंट्री में जाएँ, गल्फ कंट्री में या फॉरन कंट्री में जाएँ और हम पैसा कमाएँ, ये तो सबके दिल में होता है। तो सबके दिल में यही कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम भी पैसा कमाएंगे और हम भी अच्छे से रहेंगे। तो उसी कन्फ्यूजन जो है इस वीडियो में दूर कर दूंगा दोस्तों, कि जैसे कि दोस्तों अगर आप चाहे किसी भी ऑफिस या किसी भी ट्रेवल्स के, ट्रेवल्स का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा इतना बड़ा चैनल है नहीं दोस्तों। तो गाइस आप किसी भी हाउस ड्राइवर का वीजा, ठीक है, नहीं बात करूँगा किसी भी हाउस ड्राइवर का वीजा लिए सवा खास का, तो भाई किसी भी ऑफिस से वीजा लिया या यार दोस्त से लिया या किसी रिश्तेदार से लिया, वीजा लेने के बाद दोस्तों आप उसको वीजा को स्टाम्प करवाओगे, अपने पास एक आईडी प्रूफ पासपोर्ट होगा, आप स्टाम्प करवा के आप सीधा स्टाम्प करवाने के बाद ऑफिस वाला या आपका दोस्त होगा जो सऊदी में आने के बाद भाई जो तुम्हारा होनर होगा उसका नंबर देगा, या कोई भी यार दोस्त आप रियाद सऊदी अरब में भाई एयरपोर्ट पर आ जाओगे तो यहाँ पर आज कोई ना कोई रिसीव करेगा रियाद में। रिसीव करने के बाद आपको कमरे पे लेके आया जाएगा, कमरे पे आने के बाद आपका जो होगा या होनर होगा वो आने के बाद एक दो दिन या रेस्ट देगा, नहीं तो कोई कोई ऐसा होता है जो, अगर पूरा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे बैक साइड में वीडियो यानी बैक में वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबी है डिटेल में है तो जाके देख सकते हो, मैं लिंक जो है अपलोड कर दूँगा, आप लोग जाके देख लेना उस वीडियो को, अगर इस वीडियो में नहीं समझ में आएगा तो उस पर जाके देख लेना। तो भाई अगर आते हो तो किसी किसी क्या जो है एयरपोर्ट पे भाई उतरते ही कपिल जो है पकड़ा देता है कि भाई आप ड्राइविंग करो, तो अगर भाई ड्राइविंग कंप्लीट नहीं किए रहोगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे पहले दोस्तों को अगर आप लोग भाई सऊदी अरब आना चाहते हो, किसी भी आपके पास जो स्किल है तो या कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप लोग जो है पहले उस एक्सपीरियंस को अगर कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे आप लोग ड्राइविंग का काम बता रहे हो तो भाई ड्राइविंग का ही आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग जो है ड्राइविंग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, तो है ड्राइविंग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद ही वीजा, नहीं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। सबसे पहला आपका यही स्टेप है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो कोई कोई आता है भाई एयरपोर्ट से गाड़ी पकड़ा देते हैं चलाने के लिए, फिर वहीं पे दिक्कत हो जाती है, फिर आपको लाइसेंस बनाने में फिर प्रॉब्लम, मतलब फिर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन आपको अगर उधर से 60% भी अगर आप लोग एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट है आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर
सोचोगे कि अगर 20% या 30% अगर कंप्लीट है तो फिर आओगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा बहुत नहीं, फिर आप पैसा भी लगा के आओगे, आप जो भी लगाओ 60,000, 50,000, 80,000, 1,00,000 भी अगर किसी के भी एजेंट के थ्रू आओगे या किसी दोस्त यार के थ्रू के तो पैसा जाहिर सी बात है लगेगा, लेकिन आपका पैसा फिर बर्बाद हो सकता है। भाई अगर 80-50 हज़ार लगा के आओगे तो अपना जो है कंप्लीट करके आना और बताएंगे भाई क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो भाई अगर सऊदी अरब आते हो तो भाई अगर आपका कपिल है, अगर वो किसी ऑफिस पे काम करता है, किसी मकतब में काम करता है, तो आपकी जो है मकतब में यानी ऑफिस पे आना जाना छोड़ना लेके आना ये आपकी ड्यूटी हो गई। तो भाई ऑफिस पे लेके आना जाना ये आपकी ड्यूटी हो गई। और दूसरा नंबर भाई सबके जो अपना अपना काम है भाई अलग अलग होता है, अलग अलग, ऐसा कि किसी का जो है बच्चों तो गए हैं तो उनका जो ऑफिस ऑफिस का काम रहता है और जिसके पास बच्चे रहते हैं तो भाई उनका जो है स्कूल पे आना जाना यानी मदरसा कि मतलब फिर मदरसा लेके जाओगे, उनको छोड़ के आ जाओगे और फिर जाओगे लेने के लिए, या आपके मैडम जाए या नौकरानी जाए, मतलब किसी न किसी आप कि आपका जो बाबा होता है वो जाए हो ना, मतलब कोई ना कोई आपको साथ में रहेगा, स्कूल जाना और आना, मैडम के साथ में आना जाना, थोड़ा बहुत शॉपिंग। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो में पता चल गया होगा कि भाई सऊदी अरब आएंगे तो क्या क्या काम करना पड़ेगा। भाई कोई कोई होता है कि भाई हर जुम्मा को जो है घर भी धुलवाते हैं, ये भी बात है भाई, ये नहीं कि जो डिटेल में है डिटेल में बताऊँगा कि अगर नए पे आओगे तो भाई धुलना पड़ेगा, कोई भाई पुराने भी हैं जो है धुलवाते हैं, अगर धुलवाते हैं तो कोई कोई भाई पैसा भी देता है, ऐसा बात नहीं है कि पैसा नहीं देगा, कि अगर घर भी धुलवाते हैं अदर काम थोड़ा बहुत करवाएंगे तो भाई कोई कोई घर से पैसा जो है मिल जाता है, नहीं तो भाई पैसा नहीं मिलता। तो लेकिन आपको अगर पैसा मिले या ना मिले लेकिन काम तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप हाउस ड्राइवर में आते हो, बहुत से ऐसे आदमी हैं भाई ड्राइवर पे आते हो कि भाई आपका यही सवाल होता है कि भाई हम जाएंगे तो वहाँ खाली ड्राइवर यानी खाली ड्राइविंग का ही काम करेंगे, तो भाई ड्राइविंग का काम तो करना पड़ेगा लेकिन कोई थोड़ा बहुत जो है ऊपर का भी काम करना पड़ता है, जैसे आपका गाड़ी धुलना और घर भी धोना, तो यही सब बातें हैं दोस्तों, दुकान पे जाना, मैडम के साथ में जाना, इधर जाना उधर जाना और कहीं भी इंतज़ार करना हुआ, तो भाई यही सब चीज़ें हैं और किसी के बातों में ना आना। तो भाई सबसे पहला काम, भाई अगर सऊदी अरब आते हो तो भाई किसी के बहकावे में ना आइए, यहाँ पे भाई अपने अपने रहते हैं बहका देते हैं, अपनों को मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आते हो तो भाई सोचते हैं कि वो तो पैसा कमा रहा है, अगर हम इसको बहका देंगे तो पैसा नहीं कमाए, लेकिन अगर आप आ जाओगे पैसा कमाने लगोगे और कपिल ठीक हो तो ठीक है भाई, नहीं 2 साल के बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा फिर आप यानी एग्जिट ले फिर दूसरे बीजे पे आ जाना, तो भाई आप रिटर्न हो जाओगे, आपका यहाँ पे लाइसेंस बन जाएगा, आईडी कार्ड, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी सैलरी जो है थोड़ा ज़्यादा भी मिलने लगेगी। तो ये रेल थी दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ गई होगी आप लोगों को तो यार एक यार प्यारा सा कमेंट कर देना अगर सहमत हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके और वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।